देहरादून पहुंची अंबिका सोनी ने कहा कि इस महीने के अंत तक कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होगी। कांग्रेस भवन पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी दो दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगी। अंबिका सोनी पार्टी की विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी, साथ ही चुनाव संचालन समिति की बैठक भी लेंगी। बसपा से निष्कासित हुए पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद की पार्टी में वापसी की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ खानपुर से बसपा प्रत्याशी मुफ्ती रियासत और उनके समर्थक मोहम्मद शहजाद को बसपा में लाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भार्गव राशन राव ने साफ कर दिया है कि बसपा में बागी और दागी की कोई जगह नहीं, लेकिन अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती को ही करना है। 2017 विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए चंपावत में सपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। सपा कार्यकर्ताओं ने जहां उत्तराखंड बनने के 17 साल बाद भी भाजपा और कांग्रेस पर विकास न करने का आरोप लगाया, वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में 2017 में सपा की सरकार बनने की बात कही। मसूरी के एकमात्र एमपीजी कॉलेज में मशहूर कवि रहीम की 460वीं वर्षगांठ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया एवं अपनी कविताओं से सभी का दिल जीत लिया। सम्मेलन में आए कवियों ने बताया कि आज समाज में अश्लील शब्दों के साथ साथ चुटकुले चल रहे हैं, जिससे जो अच्छे साहित्यकार एवं कवि हैं वे नीचे दबते जा रहे हैं। पौड़ी के थाना कोतवाली में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर सीओ सदर व पौड़ी पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने पौड़ी के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी, साथ ही कानूनी सहायता को लेकर सदैव हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ में एक तरफ जहां 748वां उर्स बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं जैसे ही शाम ढलने लगती है वैसे ही उर्स में अश्लील डांस भी जोर पकड़ने लगता है। मेले के ठेकेदार मोटी रकम लेकर ऐसे अश्लील डांस का आयोजन कराते हैं। इन सब के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से इस डांस से बेखबर बने हुए हैं। रुड़की के सिकंदरपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक में महिलाओं का हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आलम यह रहा कि ग्रामीणों की भारी भीड़ बैंक पर जमा हो गई और जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया गया। हंगामा बढ़ता देख बैंक कर्मचारी बैंक में ताला लगाकर फरार हो गए और देर शाम तक भी बैंक नहीं खोला गया। उत्तराखंड दिनभर में आज इतना ही। आप इन सभी खबरों को विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।